हॉन्टेड फ्लैट। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले आदर्श के साथ 2012 में घटी थी, जब वो 21 साल का था। आदर्श का दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त मृणाल के पीजी में गुजारे थे। मृणाल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से आदर्श को वहां पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। आदर्श उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था, ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में दो पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल की एक पुरानी ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए आदर्श इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के एकदम पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसको घर के एक कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं, और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो वहां तो कोई नहीं था, पर वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। आदर्श ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज सारी रात आदर्श को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो आवाज बंद हो गई। आदर्श उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। आदर्श ने पूरा घर छाना, लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था, क्योंकि रात में आदर्श की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि यह जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त मृणाल को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वो उस दिन नहीं आ पाया। आदर्श को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से आदर्श को वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ही आदर्श की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये फिर से उसका वहम है, और वो सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज सताने लगी, और इस बार वो एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन आदर्श ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो एक दो साल पहले ही वहां आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। आदर्श ने सबकी सलाह मानकर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकेट्रिस्ट ने आदर्श को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है, और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेकर आदर्श सो तो जाता था, पर अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी, और सपने में आदर्श के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगा लेती थी। ऐसे सपनों से आदर्श की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि आदर्श को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन आदर्श कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्जाम्स पास ही थे। आदर्श को ये डर था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वो एग्जाम्स के लिए भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन वो घबराहट के मारे गिर पड़ा और जमीन पर ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ,
बल्कि जब तक आदर्श के एग्जाम्स चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज आई, ना ही वो सपना और ना ही वो दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से आदर्श एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। आदर्श ने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाते खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज वापस आई और जब आदर्श ने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसको कसकर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका शरीर सड़ा हुआ था और वो उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़े हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगाती थी। आदर्श ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की पर उसके लाख दम लगाने पर भी वो हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में आदर्श की आवाज भी नहीं निकल रही थी। आदर्श ने अपना सारा दम लगाया और वो किसी तरह उस बेड से उठा। वो घर से बाहर जाने के लिए भागा पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वो लड़की आदर्श के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तो आदर्श जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त मृणाल को फोन किया। उसने मृणाल को पूरी बात बताई और उसे फौरन उसके फ्लैट आने को कहा। आदर्श भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी तरह बच जाए। लेकिन तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई आदर्श की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर आदर्श कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थीं। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो आदर्श को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब मृणाल आदर्श के फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि आदर्श लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वो बुरी तरह जख्मी था। मृणाल तुरंत आदर्श को हॉस्पिटल ले गया। आदर्श को बहुत चोट लगी थी लेकिन जब उसे होश आया तो आदर्श ने मृणाल को बताया कि उस लड़की की आत्मा आदर्श को प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आदर्श हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर हो रहा था लेकिन एक रात खबर आई कि आदर्श ने हॉस्पिटल बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के साथ दो झुमके भी पाए गए हैं। मृणाल को कभी समझ नहीं आया कि आदर्श दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल क्रीपी संडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और देखते रहिए हर संडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।